मोदी सरकार हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय किसानों को किसानों का हक दीजिए वापस दीजिए हक दीजिए काला कानून वापस कीजिए वापस कीजिए वापस कीजिए काला कानून वापस कीजिए वापस कीजिए वापस कीजिए काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो संगठनों के हम सब उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे बंद कर रहे हैं और ये मैं सरकार को ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी जो प्राइम मिनिस्टर गरीब जन कल्याण अन्न योजना है जिसके तहत आप 80 करोड़ गरीब लोगों को आप फ्री राशन देते हो तो उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ ये अन्नदाता का ही दिया हुआ सारा है। आज आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है आप उसको अराजकतावादी कहते हो उसको खालिस्तानी कहते हो ये आपकी गलत विचारधारा है। आपके खिलाफ किसी ने बात की और आपने उसको ये नारा दे दिया ये डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है ये डिक्टेटरशिप आपकी कामयाब नहीं होगी। आप कितनी देर तक लोगों को गुमराह करके दिल्ली के तख्त में बैठे रहोगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी है उन्होंने 1783 में दिल्ली के तख्त के ऊपर अपना झंडा फहराया था। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दिल्ली की सरकार में 47 के बाद बहुत सारी सरकारें आई हैं सरकारें चली गई हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से जिन दोनों के पूरी कैबिनेट इनके अंडर चलती है मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अन्नदाता आपको खिलाने वाला है अन्नदाता देश को देने वाला है। आप अन्नदाता की मांगे मानिए कि सर्दी के मौसम में वो सिंधु बॉर्डर वो केकरी बॉर्डर वो पंजाब के जिन बॉर्डरों में बैठे हुए दिल्ली में बैठे हुए आप उनको उनका समर्थन कीजिए और 9 तारीख की जो आप मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप इनका बिल ये पास करके और किसानों को MSP जारी रखते हुए आप इनको रिटर्न दीजिए कि वो अपने घर जाए और ये कानून काला कानून खत्म करो और किसान दाता वो देश की सेवा करे।